हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेश एलोवेरा जूस, जो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और इसके कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इसको पीने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। जैसे कि अभी कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना बेहद ज़रूरी है। तो स्पेशली ये जूस मैं इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने गार्डन से कुछ फ्रेश एलोवेरा के पत्ते काट लिए हैं। इस तरीके से पत्ते काटने के बाद इसमें से कुछ येलो रस निकलता है इस तरीके से, तो ये रस हमारे हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं है। तो इसको काटने के बाद थोड़ी देर उल्टा करके इस तरीके से उल्टा करके रखना है, ताकि इसके अंदर से जितना भी ये येलो रस है वो निकल जाए। तो मैंने पत्ते काट लिए, इनको अच्छे से धो लिया, उसके बाद मैंने 5 मिनट इनको ऐसे खड़ा रखा था। अब आप देख सकते हैं ये एकदम क्लीन है। अब मैं इसको काट ले रही हूँ। पहले काट के मैं साइड से दोनों तरफ से इसका छिलका उतार रही हूँ। इस तरीके से छिलका उतारते समय हमें चाकू या जो पोटैटो पीलर होता है, जिससे हम लोग आलू छीलते हैं, उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से दोनों तरफ से छिलका उतारने के बाद हम लोग इसके बीच में से इसका पल्प निकालेंगे। अब मैं इसका ऊपर का स्किन निकाल रही हूँ, छिलका। ऊपर का स्किन निकालने के बाद इसके अंदर से जेली टाइप का एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड निकलता है, वही हमें यूज़ करना है। अब मैं धीरे धीरे इस तरीके से इसका छिलका उतार रही हूँ। छिलका उतारते समय ध्यान रहें, ये स्लिप होता है और हाथ कटने का डर रहता है, तो सावधानी से आराम आराम से आप छिलका उतारना। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, अभी कोरोना महामारी का टाइम चल रहा है, इसमें हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना बेहद ज़रूरी है। तो एक्सपर्ट्स विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हम लोग एलोवेरा खाते हैं या उसका जूस पीते हैं तो उससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तो अभी मैंने एक तरफ से पूरा छिलका उतार लिया है। अब आप चाहो तो इस तरीके से आप इसका पल्प निकाल सकते हैं, या फिर दो टुकड़े करके अब मैं दूसरी तरफ से भी इसका छिलका निकाल कर इसका मैं पल्प निकाल लूँगी। तो आप ध्यान दें, ये स्लिप होता है, तो आराम से सावधानी से काट कर आप इसका छिलका निकाल लेना। छिलका निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एकदम ट्रांसपेरेंट दिखता है, इसका कोई कलर नहीं होता है और जेली जैसा रहता है। और ये भी ध्यान रहे कि इसमें छिलका ना आए। अगर थोड़ा बहुत छिलका आ भी जाता है तो आप उसे चाकू से काट कर अलग कर लेना इस तरीके से। अब इस तरीके से हम लोग आराम आराम से पूरा इसका जेली निकाल के इकट्ठा कर लेंगे। एलोवेरा जूस वैसे तो मार्केट में भी इजीली अवेलेबल होता है, बट आजकल एलोवेरा का पौधा हर घर में रहता है, तो हम लोग इसको घर में ही फ्रेश बना के यूज़ करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब इस तरीके से मैंने काट के पूरा पल्प इकट्ठा कर लिया है। अगर आपको इस तरीके से निकालने में परेशानी हो रही है तो आप इसको स्पून से भी निकाल सकते हैं। अब ये हो गया है, मैं आपको स्पून से भी निकाल के दिखाती हूँ। इस तरीके से आप स्पून से भी इजीली पल्प इकट्ठा कर सकते हैं। अभी मैंने सारा पल्प इकट्ठा कर लिया है। उसके बाद इसमें मैं कुछ और चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि 1 इंच अदरक का टुकड़ा, आधा नींबू और शहद। अब आप पल्प को इस तरीके से स्पून से मैश करके डायरेक्ट ऐसे भी खा सकते हो, आप इसका जूस भी बना सकते हो, दही में डालकर भी खा सकते हो, बट यहाँ पे मैं जूस बना रही हूँ। तो मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है, उसमें मैं एलोवेरा के टुकड़े डाल रही हूँ। डालने के बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 1 स्पून घिसा हुआ अदरक और थोड़ा सा पानी, ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। पानी डालकर इसे हमें एकदम अच्छे से ग्राइंड करना है। आप देख सकते हैं मैंने इसको एकदम अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और इसमें थोड़ा सा झाग भी दिख रहा है, बस इतना ही हमें इसे ग्राइंड करना है। अब उसके बाद आपको जितना चाहिए उतना आप इसमें पानी ऐड कर लेना। अब मैं इसमें आधा नींबू भी निचोड़ रही हूँ। नींबू निचोड़ के इसको अच्छे से मिक्स करके मैं इसे छान रही हूँ। आप बिना छाने डायरेक्ट ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको अदरक के टुकड़े मुँह में लगेंगे, अच्छे नहीं लगते हैं, तो आप इसे छान के यूज़ कर लेना। पर ये जूस हमें सुबह सुबह खाली पेट पीना है, पीने के बाद 1 घंटे तक हमें कुछ और नहीं खाना है, नहीं पीना है, तभी इसका ज़्यादा फायदा होगा। अब मैं इसे छान रही हूँ। ये जूस का टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है, तो आप चाहो तो इसे किसी फ्रूट जूस में डालकर यूज़ कर सकते हो, दही में डाल के यूज़ कर सकते हो, स्मूदी में डाल के यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको इसको इन्हांस करना है इसका टेस्ट, वैसा आप करके यूज़ कर सकते हो, बट अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे पियोगे तो ये और ज़्यादा हेल्दी रहेगा। अब मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून हनी।
हनी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब ये जूस बनके रेडी है, बट आप ये जूस यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट ज़रूर करना। अब आप ये जूस बनाइए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।